आज वर्तमान में जिनकी पावन अनुशासना में पूरे विश्व में प्रेक्षा ध्यान के कार्यक्रम चल रहे हैं, महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाशिवानंद के पावन चरणों में कोटि वंदन, यहाँ विराजित साधु वृंद के चरणों में सत सत वंदन। सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, साधु श्री की प्रेरणा से विशाखापट्टनम की टेयू ने एक सुंदर कार्यक्रम की आयोजना की। सभी कह रहे हैं हम तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है पहली बार, अनुभव के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और पूरे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक छोटी सी कहानी से मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। एक भाई साहब रोज घर से बाहर निकलते थे और कहीं बाहर काम पर जाते थे। एक दिन जा रहे थे, एक ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को बुलाया, बच्चों इधर आओ। उनसे पूछा, बच्चों ताजमहल के बारे में जानते हो? बच्चों ने कहा, अंकल ताजमहल बाद में कुछ नहीं जानते, हमको तो खेलने में मजा आता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ इंडिया गेट के बारे में जानते हो? बच्चों ने कहा, अंकल ये बार बार मत पूछो, हमको कुछ भी नहीं जानते। ऐसे प्रश्न पूछता गया, बच्चे नाना कहते गए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्खों के सरदार हो, इंडिया में रहते हो और इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हो। बच्चों के मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई। कुछ दिनों बाद वापस भाई साहब इधर जा रहे थे, बच्चों ने घेर लिया, अरे अंकल रोज रोज किधर रखड़ते हो? ऐसा पूछा। अरे बेटे रखड़ता नहीं, मैं काम पे जाता हूँ, कभी इधर जाते हो, कभी ये रास्ता लेते हो, कभी ये रास्ता लेते हो, क्योंकि बिजनेस करता हूँ तो अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है। अच्छा अंकल ये बताओ, उस रामुड़े को जानते हो क्या? रामुड़ा? कौन रामुड़ा? रामुड़ा वामुड़ा मैं नहीं जानता। अरे वो रामुड़ा जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपके घर पे काम करने के लिए आता है, खाना बनाता है, बर्तन घिसता है, कपड़े धोता है, वो रामुड़ा कि मैं तो नहीं जानता। अरे अंकल दुनिया में रखड़ते रहते हो और घर में क्या हो रहा उसके बारे में नहीं जानते हो? ऐसे लेके सिखाते हैं और प्रेक्षा ध्यान आपको ऐसे ही। तो हमें समाज, हमारा समाज कितना चिंतित है हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए, स्वस्थ बने, मस्त बने, प्रसन्न चित्त बने और अपने गोल को अचीव कर सके। पूज्य गुरु की इतनी सूझबूझ से इतना सुंदर अवदान हमें सद रूप से मिला है, आवश्यकता है इसको जानने की, समझने की और करने की। व्यक्ति मूल से जो हट रहा है और प्रतिबिंब के नजदीक जा रहा है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। एक भाई ने एक महिला का बहुत सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया उसमें सजीवता आ गई। तो गांव वालों ने कहा, भैया चित्र तो बहुत सुंदर बना है, इसको कहीं एग्जीबिशन में लगाओ, हजारों रुपए आएंगे। व्यक्ति ने सोचा इनकी सलाह अच्छी है, शहर में एग्जीबिशन लगा, उसमें वो चित्र की प्रदर्शनी में लगाया गया। आपको आश्चर्य होगा, उस चित्र की बोली लगी और 50,000 रुपए में बिका। जिस चित्र के गांव में 5,000 भी नहीं आ रहे थे, वो 50,000 में बिका। एक व्यक्ति ने वह चित्र लिया और वहां से बाहर निकलने लगा। इतने में एक महिला भीख मांग रही थी उससे, भैया 50 पैसा। उसने उस महिला को धुतकार दिया, लेकिन जब उस महिला ने देखा वह सुंदर चित्र उसी का था, जो महिला भीख मांग रही थी उसी का सुंदर चित्र था, वो आश्चर्यचकित रह गई। एक तरफ प्रतिबिंब 50,000 रुपए में बिक रहा है और मूल 50 पैसे के लिए बिलक कर रहा है। ये स्थिति हमारी है, सोचो जरा। फेंक नहीं बोलिए, विशाखापट्टनम में ऐसा शिविर कभी लगा? प्रेक्षा ध्यान का पहली बार ही लगा, सोचिए। हाँ तो हम अंदाज लगा सकते हैं, अभी हम सब खाते पीते घर के हैं, अच्छे घराने के हैं, कामकाज हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो शरीर को स्वस्थ रखने पहले स्थान पर रखा गया है। हमारे पूर्वजों ने जो ये बनाया स्लोगन एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। आपके घर में मिठाई का कमरा भरा हुआ है, लेकिन आपको डायबिटीज है, मिठाई खाना नहीं है, वो क्या काम आएगी मुझे बताओ? आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति आपने इकट्ठी कर ली है, अब शोक बोध करने का टाइम आया और आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या काम के हो पैसे? इधर ही छोड़ के चले जाओगे आप? अगर स्वस्थ रहेंगे, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अभी संध्या साधु श्री का यहाँ प्रवचन रखा है, यदि आप चल के नहीं आ सकते तो कैसे प्रवचन सुनोगे बोलो?
स्वस्थ व्यक्ति ही चल के आ सकता है। और इतनी अच्छी टेक्निक है कि लास्ट मोमेंट तक न बेटे का सहारा लेना पड़े न बहू का सहारा लेना पड़े, आप आराम से स्वस्थ रह सकते हो। लेकिन कब? समुद्र के किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है और जो डुबकी लगाता है उसे मोती मिलते हैं। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान बहुत सुनते हैं, सुनते तो है ना, प्रेक्षा ध्यान पत्रिका आती है, विज्ञप्ति में आता है, सब आता ही है, लेकिन सुनने से काम चलेगा नहीं। हम महाप्रभु जी को बहुत मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया मार्ग फॉलो नहीं करते हैं। चलो बिना किसी भूमिका के हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षा ध्यान एक सरल, सुंदर और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरे हैं उनको इसकी प्रभावता का महसूस किया है या उनको मालूम पड़ा है प्रेक्षा ध्यान क्या है। प्रेक्षा ध्यान से न केवल शारीरिक स्तर पर, न केवल मानसिक स्तर पर, बल्कि भावनात्मक स्तर पर आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित होते हैं। इससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। जैसा कि आपने डायलॉग सुना होगा, आदमी को आदतों से छुटकारा मरणोपरांत ही मिलता है। राजस्थान में सुंदर कहावत है, जाका प्रया स्वभाव जासी जीव शिव, निमन मिट्टा हो चाहे सिंचो जीव गुण शिव। लेकिन प्रेक्षा ध्यान ने इस अवधारणा को बदल दिया। प्रेक्षा ध्यान केवल उपदेश नहीं देता है, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग द्वारा हम आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आज सुबह मैंने व्हाइट कलर का ध्यान कराया था ज्योति के अंदर, ऐसा व्हाइट कलर का ध्यान करेंगे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा कम नहीं आता लोगों को, थाली में नमक बहुत कम होगा, थाली उठा के फेंक दे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया हार गया तो लोग टीवी फोड़ गए, बोले गुस्सा क्या कम आता है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम गुस्से को कम कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान एक अध्यात्म मंदाकिनी है जो हिमालय से प्रवाहित होती हुई विश्व में जन जन तक पहुंच रही है। इससे पूरी जनता लाभान्वित हो रही है और अप्रत्याशित प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। प्रेक्षा ध्यान एक महत्ता हुआ गुलशन है जिसकी परिमल से पूरा विश्व हो रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान की परिकल्पना को साकार रूप दिया, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का विकास किया, उनका यही कहना था, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो स्वयं को देखो। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, हम घर का यदि बजट बनाते हैं तो खुद की इनकम को देख के बनाते हैं या दूसरे की इनकम को देख के बनाते हैं? बोले खुद की। क्यों? क्योंकि दूसरे का पैसा हमारा काम आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह हमें खुद को जानने के लिए, दूसरे को जान के कुछ फायदा होने वाला नहीं। अमेरिका में क्या हो रहा है, दिल्ली में मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो अध्यक्ष मोदी क्या कह रहे हैं, आप तो ये देखो अपने भीतर क्या हो रहा है उसको देखो आप, उसको देखने पर हम सुखी हो सकते हैं। तपस्या करते हैं, हम तपस्या करते हैं किसके लिए करते हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए करते हैं, और खाना खिलाते हैं और कर्मों का बंधन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन क्या कहेगा आपको क्या करना है, आपकी तपस्या हो गई, कौन साता पूछने आया नहीं आया उससे भी आपको क्या करना है, आप अपने हाथ में मस्त रहो, सब जगह आपके इधर ही नहीं है। लोग दो दो हजार आदमियों का खाना बनाते हैं, दो दो हजार आदमियों का, आप सोचो एक बहन तपस्या कर रही है उधर दो हजार आदमियों को कितना नुकसान तो हो रहा, छोड़ो लेकिन पापों का कितना बंधन हो रहा वो देखो आप। हाँ अभी चलो तपस्या की बड़ाई है, जैसा कि मुझे वंदनिया साधु जी से ये जानकारी मिली है कि आपके यहाँ सुंदर तपस्याएं चल रही है, मास भी चल रहे हैं, और जैन धर्म में तब सबका बहुत महत्व है क्योंकि कर्म निर्जरा का सशक्त माध्यम है। भगवान महावीर ने तो उत्तराध्यन सूत्र में यहाँ तक कहा है, करोड़ों धर्म करोड़ों वर्षों के संचित कर्म तपस्या के द्वारा क्षय हो जाते हैं। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके मन में भावना रहती है तपस्या करो, हर बहन के मन में भावना रहती है ठीक करो, बोलो रहती नहीं, लेकिन कुछ डिफिकल्टी शारीरिक अस्वस्थता। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी तपस्या आराम से हो सकती है, और मेरी टेक्निक यदि आप समझ लेंगे तो साथी श्री से आप एक साथ 25 तीस अट्ठे बचेंगे, और मेरी गारंटी है कि आपकी तपस्या साधना पूर्वक सुख पूर्वक कुशलता से होगी। तो देखिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आप भावना तपस्वी भाई बहन ये मुद्रा करे, थर्ड फिंगर का अग्रभाग और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा।
यह मुद्रा करते ही हमारे शरीर में अनेक तरह के विटामिन्स पैदा होने लगते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है, बहने विटामिन्स की बहुत गोलियां खाती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही अंगुली टच होती है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक विटामिन्स पैदा होने लगते हैं। जो भाई बहन तपस्या करते हैं उनको भूख प्यास नहीं सताएगी। पहले ऋषि महर्षि इसी मुद्रा के आधार पर कई महीनों तो कुछ नहीं खाते तो भी चल जाते, इतनी पावरफुल मुद्रा है। जिनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है और तपस्या करने से बोलते ना कमजोरी आती है, बोलते ना, तो इससे आपको कमजोरी नहीं आएगी। पहले तक थोड़ा सा लगेगा, पहले तक, उसके बाद आप बिंदास करते जाओ, भले मास समन करो एक साथ, लेकिन तकलीफ नहीं आएगी इसे। इसका नाम है प्राण मुद्रा। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, ये मुद्रा करते ही शरीर में प्राण का संचार होने लगता है, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। इसके अलावा कोई भी मुद्रा 45 मिनट और 1 घंटा करेंगे तो भी नुकसान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के चश्मे के नंबर निकल जाए, 1 घंटा उससे रोज करेंगे चश्मे के नंबर कम हो जाएंगे, चश्मे के नंबर नहीं बढ़ते इससे, लेकिन डेली करने के हानि। पैरों में बाइटा आता हो, बाइटा क्रैम्प्स, किसी ने मुझे कल पूछा था पैरों में बाइटे आते हो, हाँ आपने पूछा, तो बाइटों के लिए रामबाण इलाज रोज करिए, 1 महीने में बाइटा से राहत मिल जाएगी, क्रैम्प से आपको राहत मिल जाएगी। दूसरा, हाँ, ये प्राण मुद्रा थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस दोनों उंगलियां सीधी। जो व्यक्ति 6 महीने तक बिस्तर में सोया हुआ है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, उस व्यक्ति को आप 1 महीने तक ये मुद्रा करवा दिए, चलने लगे। देखिए, मैं आपको रटा रटी बातें नहीं बता रहा हूँ, हजारों लोगों पर मुद्राओं के प्रयोग हम कर चुके हैं और 100% नहीं 200% इसका रिजल्ट है। अगर ऐसा कह दिया जाए, ये सूक्ष्म जानकारी यानी सूक्ष्म योग मेडिकल साइंस से आगे की बात, जो परिवर्तन मेडिकल साइंस से नहीं होता है वो परिवर्तन मुद्राओं के द्वारा होता है। इसमें देखिए 3 तत्व मिलते हैं, तत्वों के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, अग्नि पृथ्वी और जल, 3 तत्व इसमें मिलते हैं। तो हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह इतनी तीव्र गति से होता है कि रक्त वाहिनियों में जो अवरोध है वो हट जाता है। जिनका सिर बहुत दर्द कर रहा हो, ध्यान से सुनो, तो इस मुद्रा के साथ ज्ञान मुद्रा करिए, पहले ज्ञान मुद्रा फिर प्राण मुद्रा, सिर दर्द आपका गायब हो जाए। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद स्लीपिंग डोज लेना पड़ते हैं, तो ज्ञान मुद्रा के साथ ये प्राण मुद्रा करें। तो सीधी भाषा में अगर कह जाए तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए मुद्रा अच्छी है, और अधिकतर बहनों में एनर्जी लेवल कम होता है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है। आप कभी भी देखिए, ज्यादातर बहनों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, उन सब के लिए ये अच्छी मुद्रा। तपस्या के लिए बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में दूसरे भाई ने भी मैंने बता दिया। अब जो तपस्या करते हैं उनको पित्त की शिकायत रहती है, पित्त पड़ता है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का नोट्स लगाए, स्केच या मार्कर पेन से ग्रीन कलर की टिकी दिखाई दे रही है आपको, पीछे व्यवस्था हो रही है आपको, स्लाइड में भी आ जाएगा, तो भी आप अच्छे से देख सकोगे, ये ग्रीन कलर की टिकी लगाइए, इससे पित्त नहीं गिरेगा। जो भाई बहन तपस्या करते हैं और वास और बेले में पित्त गिरता है, उनके लिए देखिए गर्म पानी 3 या 4 गिलास उपवास या बेले के दिन पीजिए, और बाथरूम में जाके अगर छोटी जीवा है उस पर तो उंगली लगाइए, अंदर से वो पानी जब बाहर निकलेगा तो पूरा पित्त बाहर आ जाएगा, तपस्या में भी बाद में नहीं सताएगा आपको, पित्त का प्रकोप नहीं होगा, ठीक है। प्रयोग नंबर 3, हाथ के पीछे 3 काली टिकी लगेंगे, ब्लैक मार्कर पेन ले सकते हैं या बच्चों के स्केच पेन ले सकते हैं, इससे इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इससे बढ़ती है, तो तपस्या में अच्छा सहयोग। इसके बाद तपस्वी भाई बहन मुंह हिलाए, गाय भैंस या घास खाने के बाद मुंह हिलाती है जैसे कोई गोली चूसते हैं, उस तरह मुंह हिलाएं, इसमें लाल ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, तो आपने देखा होगा तपस्या में बहुत से भाई बहनों की शुगर डाउन हो जाती है, तो ये हिलाने से आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आज की हथेली में ऐसी लाल टिकिया लगी है, इससे एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहेगा। ये तपस्वी भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ, पैकेज बाकी मुद्रा होगा तो मैं आपको आगे बाद में बताता हूँ। दूसरा, जब हम तपस्या करते हैं तो शक्ति जनरेट होती है अंदर से, चेतना जागृत होती है,
शक्ति पैदा होती है तो बहुत से भाई बहनों को, तपस्वी भाई बहनों को आपने देखा होगा, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हम बोलते ना, अरे तपस्या करती है और गुस्सा करती है, बोलते हैं कभी कभी हम लोग, आपने ध्यान दे। वो भाई बहन जो तपस्या करे या व्हाइट कलर का ध्यान जरूर करे ज्योति के अंदर, उससे उनका बैलेंसिंग हो जाएगा। और आज सुबह जो प्रयोग कराया था डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, वो तपस्वी भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हम एक मिनट में 15 से 17 सांस लेते हैं और हम वायु ग्रहण करते हैं आधा या एक लीटर, जबकि एक बार के श्वास में 5 से 6 लीटर वायु अंदर जानी चाहिए। जहाँ 5 से 6 लीटर वायु की जरूरत हो और हम आधा एक लीटर वायु ग्रहण करेंगे तो क्या होंगे, बीमारी होंगे ना। जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो अंदर ऊर्जा पैदा नहीं होगी, तो लंबा श्वास का प्रयोग करिए। और एक प्रयोग कायोत्सर, जो अभी प्रवचन के बाद आपको करवाया जाएगा, कायोत्सर, कायोत्सर करने से एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है। इसके बाद आपको तपस्या में अनइजीनेस लगे, घबराहट लगे, जी घबराए या क्या बोलते हैं बेचैनी आए, तो फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, बीच वाले दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, 15-20 मिनट में आपकी बेचैनी दूर हो जाती है। समझ आ रही है? फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाले दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इससे बेचैनी दूर हो जाती है। इतना प्रयोग यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से गुरुदेव की कृपा से आप जितनी तपस्या सोचोगे उतनी पूरी हो जाएगी। हम पक्का पानी पीते हैं, चूने का, राख का, वो भी अच्छा है, लेकिन गर्म पानी को ठंडा करके पिएंगे तो वो और अच्छा है, उससे एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। अच्छा, गर्म करके ठंडा करके पीजिए। ये तपस्या के बारे में बता दिया, अब हम आगे चल रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है हमें, उसके मुख्य 8 अंग है। पहला कायोत्सर, दूसरा अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, पांचवा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, छठा लेशिया ध्यान, सातवा अनुप्रेक्षा, आठवा भावना। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये मुख्य अंग होंगे और सहायक अंग इसके 4 है, उसमें एक मुद्रा का है। मुद्राओं से सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। मैं 5 मिनट का आपको ध्यान करवाता हूँ, केवल 5 मिनट का। आप सभी सीधे बैठे, कुर्सी का सहारा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, मतलब कुर्सी का सहारा लेके ना बैठे। किसी को कोई तकलीफ हो तो अलग बात है, बाकी ना बैठे। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, नॉलेज पोस्चर, आंखें कोमलता से बंद, चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर ले जाए, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं, पूरा शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें, शिथिल हो जा, रिलैक्स हो जा, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आप चंद्र दे मोबाइल साइलेंट मोड पे करिए या बंद, शिथिल हो रहा है। 5 मिनट के लिए अपने शरीर को भूल जाए, शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ दे। तो तू है लूज योर बॉडी, तो तू है लूज योर मसल्स, तो तू है लूज योर जॉइंट्स। शरीर का एक एक भाग, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु रिलैक्स शिथिल हो रहा है।
शरीर के प्रति जो ममत्व है, मोह है, छोड़ दें, केवल चैतन्य जागृत रहे, शरीर को भूल जाए आप। प्रत्येक अव्यय में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें, शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। फोकस योर माइंड ऑन नेवर, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, ब्रीथ इन पेट बाहर, ब्रीथ आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखना है आपको, श्वास आ रहा है पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है पेट सिकुड़ रहा है, केवल श्वास को देखें। अपनी चारों की श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, अपने चारों ब्राइट व्हाइट कलर के ओरा का अनुभव करें, अपने चारों पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करें। विशाखापट्टनम के व्हाइट हाउस का यह हॉल चमकते हुए श्री रंग की परमाणुओं से भर रहा है, और उसके बीच में कुर्सियों पर आप प्रतिमा की भांति अड़ोल वस्थिर होकर प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं। आपके चारों व्हाइट कलर का आभा मंडल विजुलाइज करें, और उसके बीच में आप ध्यान कर रहे हैं, इस अविस्मरणीय क्षण का अनुभव करें। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग आपका चल रहा है, चलने दें कुछ ही समय से ऐसे। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें, श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें, श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। रवि और पांच दोनों दिल्ली में दर्शन करें, तेजी के साथ गर्म करें, आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश, हथेलियों की उष्मा खुद तक पहुंचे, धीरे धीरे आंखें खोलें और बाहें तरफ। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके, और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे शेयर करें।